तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इफ़ कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो दिया गया है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज इवन और ऑड। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है, या तो डाला गया नंबर जो है वो इवन हो सकता है या फिर वो ऑड हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। और जहाँ तक बात है यहाँ पर ब्रैकेट्स की, तो ब्रैकेट्स के बारे में आप ये जान लें कि जब भी हम कोई भी चीज़ बना लिखते हैं तो उसके बॉडी, उसका एक बॉडी होता है जिसके अंदर हमें लिखना होता है। जैसे ये मेन है और मेन का एक ओपनिंग ब्रैकेट और एक क्लोजिंग ब्रैकेट, जिसे हम बॉडी कहते हैं। तो ये जो एरिया हो गया, ये ओपनिंग ब्रैकेट वाला और ये क्लोजिंग ब्रैकेट, ये इसका एरिया हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेन है, ठीक है, मेन का बॉडी बंद हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसे अगर ऐसे ही रन करें तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, हमारा कंपाइल सक्सेस हो जाएगा, बिकॉज़ हमने क्या किया है कि मेन रन करा लिया। अब मेन के अंदर हम जो लिखेंगे वो चीज़ हमारा रन करेगा। तो हमारा जो मेन काम है वो है क्या, हम पहले एक वेरिएबल मान लेते हैं इंटीजर एन, ठीक है। दूसरा चीज़, हम यहाँ एक मैसेज देंगे प्रिंट एफ, यहाँ पे क्लिक कर लें प्रिंट एफ। उसके बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे इंटर इंटर ए नंबर, ठीक है। और एक चीज़ अगर यहाँ पे आप यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया, और बैक स्लैश एन का अगर यूज़ करते हैं, ये है हमारा बैक स्लैश और ये है एन, इसका काम होता है लाइन को चेंज कर देना। तो ये मैसेज दिखाने के बाद आपका लाइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा इंटर अ नंबर, ओके। इसके बाद में जब मैंने ये मैसेज शो कर दिया इंटर अ नंबर, तो क्या करना होगा, मुझे इस नंबर को रीड करना होगा। तो मैंने लिखा है स्कैन एफ, स्कैन एफ, और स्कैन एफ में नंबर जो है वो इंटीजर टाइप है, इसलिए मैंने लिखा परसेंट डी, और फिर यहाँ कॉमा देकर मैंने लिखा रेफरेंस टू एन, बिकॉज़ एन में हमको नंबर को स्टोर करना है, इसलिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये हमारा इनपुट हुआ। किसी भी प्रोग्राम को बनाते समय आप तीन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इनपुट का काम कर लिया, यानी हमने नंबर का इंतज़ाम कर लिया है। अब बारी आती है प्रोसेस की। तो प्रोसेस हमारा जो है वो दो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। सबसे पहली कंडीशन जो है वो है कि नंबर को चेक करना है, अगर नंबर में दो से भाग लग जाता है तो वो नंबर जो है वो इवन है, और अगर दो से भाग नहीं लगती है तो इसके बाद में हमारा जो प्रोसेस है वो है चेक करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा इफ़ अगर अगर एन में भाग लगाया जाए दो से और उसका जो वैल्यू है वो ज़ीरो के बराबर आ जाए, यानी यहाँ दो बार कभी भी कंपैरिजन करते समय आपको दो बार ज़ीरो, दो बार इज इक्वल टू का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, कंडीशन में। तो मैंने यहाँ कंपैरिजन करना है ना ज़ीरो और इसमें, तो दो बार लगेगा, ठीक है। उसके बाद एंटर करते हैं। तो देखिए मेन का अपना बॉडी था तो इफ़ का भी अपना एक बॉडी होगा, तो उसके लिए हम ब्रैकेट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेन का एक बॉडी बन गया, सॉरी इफ़ का एक बॉडी बन गया। इफ़ का बॉडी क्या है, कर्ली ब्रैकेट ऑन कर्ली ब्रैकेट ऑफ, इससे पता चल रहा है कि हमारा इफ़ का एक बॉडी बन चुका है। तो बताइए इस कंडीशन के हिसाब से आपको कौन सा मैसेज शो करना है कि नंबर इवन है। तो मैंने यहाँ पे फिर लिखा प्रिंट एफ द नंबर इज इवन, ओके। उसके बाद नीचे आ जाते हैं बॉडी से बाहर, बिकॉज़ हमारा काम तो हो गया ना इफ़ का। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस अगर छोड़ दे तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है समझने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर वाले पार्ट में ये कर लिया काम, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मैंने इफ़ कंडीशन दिया और उसके अकॉर्डिंग मैसेज दिखा दिया। फिर अगला इफ़ कंडीशन देते हैं हम, इफ़ एन मोड टू, सेम चीज, नॉट इज इक्वल टू एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ज़ीरो के बराबर नहीं होती है तो फिर नीचे आएंगे और फिर से इफ़ की अपनी बॉडी होगी ना, तो इफ़ का अपना बॉडी हमने यहाँ पर दे दिया, ओके। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ मैसेज क्या होगा, द नंबर इज ऑड, ओके। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि ऊपर से आप काउंट करते आइएगा, जैसे वॉइड मेन का ये जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट खुला हुआ है, ठीक है, तो इसको खोजते हैं बंद हुआ है कि नहीं। उसके बाद आते हैं तो इफ़ का खुला, इफ़ का बंद हो गया, क्लियर, इफ़ का ब्रैकेट खुला और इसका बंद हो गया, यानी इफ़ का कंप्लीट। फिर इस वाले इफ का खुला, इसका बंद हो गया, ये भी कंप्लीट, लास्ट वाला बंद हुआ, ये किसका है, मेन का। अब इसको रन कराएंगे और नंबर यहाँ पर डालेंगे तो देखें नंबर नीचे लिखेगा, बिकॉज मैंने वहाँ लाइन चेंज लगा रखा है, द नंबर इज़ ऑड, क्लियर। उसके बाद में अगर हम रन करते हैं और फिर यहाँ पर नंबर कोई देते हैं, जैसे एट हमने दे दिया तो नंबर इज़ इवन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए